इस वक्त हम एक बहादुराबाद कराची के एक ऐसे घर में मौजूद है जहां पे इंसान कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। शौक ही है मेरा 90%, लेकिन अब 10% बिजनेस की तरफ भी मूव कर लिया। वहां पे लोग इसको नापसंद करते हैं क्योंकि उनके घरों में घुस के चोरियां करते हैं। इस वक्त हम एक बहादुराबाद कराची के एक ऐसे घर में मौजूद है जहां पे इंसान कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। ये घर अपनी नज़र में एक मुनफरद खास है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही जो इम्पोर्टेड एनिमल्स होते हैं उसकी चहल कदमी आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। इवन इस घर के बाहर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हिरन दौड़ रहे हैं। तो आके देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या है ऐसा। इस घर का नाम है पराचा हाउस और इसका जो ओनर है अलीम पराचा, उनसे मुलाकात करते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह करम। तो सर, ये आपके घर के बारे में हमने बहुत सुना था और इवन के गूगल मैप के ऊपर भी अगर हम लिखते हैं पराचा हाउस तो गूगल मैप के ऊपर आपका ये घर भी शो हो रहा है और साथ ही साथ उस पर बना हुआ एक शेर का पंजा भी शो हो रहा है। तो ये कैसे हो पॉसिबल है कि एक घर के लैंडमार्क पे एक पंजे का आइकॉन शो हो रहा है, वो भी लॉयन के? लायन पॉस कहलाता है वो, बेसिकली उसका शो हो रहा है क्योंकि मैं बेसिकली पहले लायंस ही इस घर में पालता था एक तरीके से। ये पहले ऑस्ट्रिच वाला घर से मशहूर था, फिर शेर वाले घर से मशहूर था। यहाँ शेर काफ़ी अरसा रहा, फिर जब वो काफ़ी बड़ा हो गया तो फिर उसको ब्रीडिंग के लिए फार्म शिफ्ट कर दिया। अलीम भाई, आपका शौक है या ये बिज़नेस है? शौक ही है मेरा 90%, लेकिन अब 10% बिज़नेस की तरफ भी मूव कर लिया क्योंकि जब तक शौक में पैसे लगते रहे ना तो शौक कम पड़ता रहता है, ख़त्म होने लगता है। अगर उसमें से कुछ ना कुछ अर्निंग आने लग जाए तो फिर उसमें इजाफा ही होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी लेके गए कि कुछ प्रॉफिट भी हो और घर वाले भी ज़्यादा जो है ना परेशान ना हो। अच्छा, माशाल्लाह से इनके घर में तमाम तरह के इम्पोर्टेड वैरायटी के एनिमल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आज एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो शायद पाकिस्तान के किसी और जू में भी मौजूद ना हो, तो उससे भी हम मिलेंगे। अलीम भाई, पहले हमें क्या दिखाते हैं आप? अभी मेरे पास ब्लैक बक हैं इसके अंदर, और चिंकारा डियर्स हैं और आइबेक्स डियर्स हैं, ये फिलहाल मेरे पास अभी है। अच्छा जी, केज के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। पहला केज है घर के अंदर मौजूद, जहाँ पे एक ही साथ कई वैरायटी के डियर्स मौजूद हैं। इसके अंदर जैसे कि अलीम भाई ने बताया, ब्लैक बक जिसको काला हिरन कहते हैं, जो बड़ा ही मशहूर है क्योंकि सलमान खान ने उसका शिकार किया था और वो हिरन जो है उसको हर कोई अब जानता है। तो सर अलीम भाई, ये बताएं, आप काला हिरन कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे सारे जो हिरन हैं वो ब्राउन कलर के? असल में ब्लैक जो होता है वो सर्दियों में उसकी कोटेशन कोट आती है ब्लैक कलर की, और गर्मियों में वो गोल्डन कलर का ही होता है अपनी फीमेल की तरह। इनकी फीमेलें गोल्डन कलर की ही होती हैं। मेल फीमेल में ये फ़र्क होता है, फीमेल के हॉर्न्स नहीं होते, मेल के हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे अभी बच्चे हैं जो मेरे फार्म पे ब्रीड होती है, बच्चे होते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मेल होते हैं वो मैं यहाँ ले आता हूँ कि वहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग होती रहे। उसमें मैंने खाली फीमेल्स और एक ब्रीडर मेल छोड़ा हुआ है। अभी जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इवन मुझे भी पसीने आ रहे हैं और यहाँ पे गर्मी, तो इनके लिए क्या स्पेशल कोई केयर होती है? बिल्कुल, ये मैंने फैंस लगाए हुए हैं इनके लिए, गर्मी के लिए बिल्कुल फैंस लगे हुए हैं कि जब भी गर्मी हो तो ज़्यादा ऑन कर देते हैं। बाकी इनके ऊपर मिस्ट वाटर स्प्रे जो होता है वो कर देते हैं गर्मी में, इनको ग्लूकोज वगैरह या गुड़ का पानी या चीनी का पानी वो पिला देते हैं। ठीक है सर, तो ये डियर्स फैमिली आपके पास मौजूद है और बड़ा अच्छा यहाँ पे सेटअप सारा लगा हुआ है। नेक्स्ट केज की तरफ चलें। आज अब हम एक ऐसे केज के बाहर हैं, इस केज के अंदर जो जानवर हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंपोर्ट कराए गए और ये किसी प्राइवेट जू या किसी गवर्नमेंट के जू में भी मौजूद नहीं है, इतने रेयर हैं। इनका नाम है रकून। तो ये एनिमल कौन सा है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या खाता है, कैसे रहता है, ये पूछेंगे अलीम साहब से। जी, इसका नाम रैकून्स हैं और ये बेसिकली यूरोप साइड से आए हैं, और ये मैंने जो मंगाया है ये कैनेडा से
कनाडा से मंगाए हैं और कनाडा वाले इनको ट्रैश ईटर भी कहते हैं क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादातर डस्टबिन्स वगैरह में होते हैं और इनके हर चीज़ खा जाते हैं, ये हर चीज़ खा जाता है, इसे इसको ट्रैश ईटर कहते हैं। चाहे मुर्गी हो, चाहे गोश हो, चाहे दूध हो, चाहे बिस्किट्स हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, ईच एंड एवरी थिंग हर चीज़ खा जाता है, सारे किस्म के फ्रूट, सारे किस्म की वेजिटेबल्स, तो इसलिए इसको ट्रैश ईटर कहते हैं। और वहाँ पे लोग इसको नापसंद करते हैं क्योंकि उनके घरों में घुस के चोरियाँ करते हैं, ठीक है, ये थीफ भी हैं, चोरियाँ करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं, उसके अंदर ये होता है कि ये बड़े बड़े जो डस्टबिन होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और कचरा निकाल के खा रहे होते हैं, तो ये शायद यहाँ पे जिस तरह हमारे बिल्लियाँ होती हैं उसी तरीके से ये वहाँ पर रह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ जिस तरह हमारे पास बिल्लियाँ हैं उसी तरह उन लोगों के पास ये होते हैं, और वो तो इनसे परेशान हैं। और ये पाकिस्तान में खैर थे नहीं, और पहली दफ़ा मैंने मंगाए। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं इनके अंदर रेबीज एक बीमारी है जो डॉग्स के अंदर होती है, वो होती है, तो बेसिकली वो अगर कोई वाइल्ड में किसी एक को हो तो सबको लग जाती है। तो खैर ये इम्पोर्टेड हैं, तो इन सबको वहाँ से वैक्सीन होके आई थी और फिर उसके बाद हमने भी यहाँ एक एक बार वैक्सीन करा दी, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रेबीज से फ्री हैं, तो जिस तरह आम होते हैं वही हैं। इस घर के अंदर एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसकी उम्र और मेरे ग्रैंडफादर की एज बिल्कुल सेम है, 75 years old ऑलमोस्ट ये पहुंच चुके हैं, और ये माशाल्लाह से इनके पास 5-6 हैं बड़े बड़े सुलकाटा टॉर्टोइस। अब ये इनके पास कहाँ से आए, इतना जो है वो पुराना टॉर्टोइस इनके पास कैसे आया, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, अलीम साहब से जानते हैं। यार इसकी हिस्ट्री तो खुद मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि पारसी लोग जो थे उनको इन जानवरों का शौक़ था और वो लोग इसको पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, तो ये उसी ज़माने के कुछ जो दाने हैं वो अब जाके इतने बड़े हो गए, क्योंकि मैंने खुद इनकी ब्रीड कराई है, ये तो इतने स्लो ब्रीडर हैं कि वो 5 साल के बाद भी जाके इतना सही हुआ है वो, तो ये होगा, इसकी एज का कन्फर्म आइडिया नहीं है क्योंकि ये कितने घरों से कितने हाथों से घूम घूम के फिर ये आया है, तो इसकी हिस्ट्री कोई बता नहीं पाएगा सही से, लेकिन एज इसकी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसकी जो मेन सोर्स है जहाँ से ये आए थे तो वो पर्शियन लोग थे, फारसी लोग थे, वो लोग इसको पाकिस्तान लेके आए थे, और बेसिकली ये सुलकाटा साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। इनकी जो डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? डाइट में ज़्यादातर तो ये घास वगैरह खाते हैं, और बाकी हम इन्हें कभी फ्रूट्स जो आते हैं फ्रूट्स दे देते हैं, घर में फ्रूट जो कटते हैं उसके छिलके भी होते हैं वो भी देते हैं, इसके अलावा जो स्पेनिश वगैरह पालक वगैरह वेजिटेबल कोई भी आ जाए वो भी दे देते हैं, इवन बकरों का दाना वो भी खा जाते हैं, ये भी हर चीज़ खा जाते हैं हमको। इन्होंने आपके पास ब्रीड भी किया था, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, तो ये एक साल में कितने बच्चे या कितने अंडे कर देते हैं? इनकी ब्रीड अंडे जो शुरू होते हैं वो अक्टूबर से फरवरी तक अंडे देते हैं, ये कभी 20 दिन बाद अंडे देते हैं, कभी महीने के बाद, और एक बारी में 15 से 24 अंडे तक देते हैं ये, फिर उनकी मैं खुद हैचिंग करवाता हूँ इंक्यूबेशन करवा के, तो फिर आते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, अगर वेदर अच्छा हो, वेदर अच्छा रहा कि गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी तो इनके 80% भी चांसेस होते हैं कि एग फर्टाइल हो जाए, और गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ गई, हीट वेव पड़ गई, तो 20% भी हो जाता है। इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी थी तो 20% रेशियो आया था फर्टिलिटी में। ज़बरदस्त, गर्मी बहुत सख्त है यहाँ पे, और ये इस वक्त इसीलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो गर्मी के अंदर ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हम उतने ही ज़्यादा डीएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, इनके पास माशाल्लाह से जो है वो हमने देखा है कि डियर्स ने भी ब्रीड करी हुई है, उनके कुछ बच्चे भी जिनको ये खुद पालते हैं, तो अभी जो है वो कोशिश कराएंगे कि किसी बच्चे को यहाँ पे हम फीड भी करा सकें माशाल्लाह। और ये इनकी डेली रूटीन है, इस तरह के बेबीज़ को ये पालते हैं, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सुभान अल्लाह। असल में इसको फीड कराने का मकसद ही ये होता है मदर से अलग करने का, मदर से हम फौरन अलग नहीं करते, जब ये सेल्फ फीड पे हो जाए ना फिर अलग करते हैं, फिर इन्हें फीड कराते हैं कि ये हैंड से हाथ से टेम हो जाएं, तो वरना हिरन आपने अमूमन देखे होंगे वो इंसानों से डर के भागते हैं, तो ये इस एज में जाके जो है ना इसको टेम करना शुरू कर देते हैं हम, तो ये टेम हो जाते हैं बिल्कुल, ये आपके बकरों की तरह फ्रेंडली आपके पीछे पीछे घूमते हैं, आप इन्हें कहीं भी घुमाएं तो इनका डर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम इनको मदर फीड से फिर हटा देते हैं थोड़े टाइम बाद ना,
फिर ये पल जाते हैं हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये जो बच्चे की जो ब्रीड है माशाल्लाह जो इतना एक्टिव है, ये कौन सी ब्रीड है? बेसिकली हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है, सबसे कॉमन ब्रीड पाकिस्तान की यही है, इसे हम चिंकारा कहते हैं। ये हमारी थर साइड पे पाई जाती है और पहले तो सिर्फ थर में थी, माशाल्लाह अब ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी ब्रीडिंग हो रही है और बहुत कामयाब ब्रीडिंग होती है इसकी ना तो। और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इससे थोड़ा सा और डबल कर लो इसका, बस आप इतना होगा, इनका इससे साइज़ बड़ा नहीं होता। और ये इस ब्रीड के मेल फीमेल दोनों के अंदर हॉर्न्स होते हैं, मेल के थोड़े बड़े होते हैं, फीमेल के थोड़े छोटे होते हैं। चले जी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अलीम सर, आपने आज बहुत टाइम दिया हमें। और माशाल्लाह इनके घर में बहुत सारी और दूसरी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर अब देख रहे हैं, पैरट भी एक इनके बाजू में बैठा हुआ है, पिकॉक्स भी है, डिफरेंट तरह के दूसरे बर्ड्स भी हैं और दूसरे डियर्स भी हैं। लेकिन हमने इस मुख्तसरन व्लॉग के अंदर जो है वो कोशिश करी कि कुछ खास एनिमल्स आपको मिलवाया जाए। इनका घर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इतना फेमस है कि इस एरिया के अंदर आप किसी से भी आके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से जो है आप इम्पोर्टेड जो एनिमल्स होते हैं उनको आप परचेज भी कर सकते हैं, जैसे रैकून्स हो गए या इम्पोर्टेड डियर्स हो गए, और इनका फेसबुक पे जो आईडी है वहाँ से इन पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम नए एनिमल्स के साथ नई डेस्टिनेशन में आपको एंटरटेन करेंगे हमारे इस शो पेट्स डायरी में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।